प्रदेश में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामले के चलते सिरसा का स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सिरसा जिले में भी स्वाइन फ्लू के संभावित 15 मामले सामने आए हैं, जिनमें से चार मरीजों को H1N1 पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग सावधानी बरतते हुए सिरसा के नागरिक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें H1N1 के मरीजों के लिए पूरी तरह से सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक सिरसा में पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं। वहीं टीमों द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। न्यूज़ 24 के लिए सिरसा से डॉक्टर अभिषेक की रिपोर्ट। हमारे जिले में स्वाइन फ्लू ना कहके H1N1 के संभावित 15 मरीज थे, उनमें से 4 पॉजिटिव हैं और बाकी सब नेगेटिव हैं। स्थिति बहुत ही नियंत्रण में है और हम हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं, फीवर सर्वे कर रहे हैं। हमारी टीमें जा रही हैं, IMA की हमने मीटिंग करी है, डॉक्टर्स की मीटिंग ली है और आपके माध्यम से भी हम बारी बारी कहते रहते हैं इसके घबराए नहीं, इससे बचाव करें। सर, हॉस्पिटल में कोई आइसोलेशन वार्ड वगैरह? हाँ, हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखा है और हमारे पास सब तरह की सुविधाएँ अवेलेबल हैं। मेडिसिन अवेलेबल हैं, मास्क अवेलेबल है, वेंटिलेटर अवेलेबल है। तो हॉस्पिटल में कोई अभी मरीज एडमिट है? एक संभावित मरीज एडमिट है, नेगेटिव आया वो। तो सर, किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? अब या प्रेस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आम जनता से कॉन्टेक्ट करके, डॉक्टर्स को ट्रेंड करके, पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेंड करके हम लोग इसका कैंपेन चला रहे हैं। इस मौके पर कैसी सावधानियाँ रखें? जिस भी मरीज को संभावित मरीज है उससे दूरी बना के रखें, 3 फुट की दूरी बना के रखें। और मरीज़ को भी हम हिदायत देते हैं कि जब भी खांसी या छींकना हो तो रुमाल रखें और पानी बहुत ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स लें, कोई और अन्य बीमारी है तो उसका भी इलाज कराएं, क्योंकि इससे इम्यूनिटी प्रभावित होती है। ये जनरली बुज़ुर्गों में, बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में या जिनको लंबी बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, उनको होता है।